हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारा नाम है ऋतिक और आप देख रहे हो ऋतिक टेक्निकल सपोर्ट। तो आज हम बात करेंगे ओप्पो के नोटिफिकेशन लाइट के बारे में, जो कि आप लोग ओप्पो का डिवाइस यूज़ करते होंगे और आप लोग के जो फ्रंट कैमरा रहता है फ़ोन में, उसके साइड में स्पीकर रहता है। स्पीकर के साइड में आप लोगों ने देखा होगा कुछ रहता है हमारे फ़ोन में, वो रहता है नोटिफिकेशन लाइट का। और ये जो है बहुत से लोगों को नहीं पता रहता है, और इसकी सेटिंग किस टाइप से इनेबल करते, किस टाइप से इसे ऑन करते, ये भी बहुत से लोगों को नहीं पता है। बट आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं गाइस, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूंगा इस आप लोग को, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर आराम पे कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं टॉपिक की। तो गाइस, अभी तो स्क्रीन रिकॉर्डर वीडियो है तो आप लोग को शायद नहीं नज़र आएगा, बट मैं आप लोग को बता दूँ एक सिंपल सा तरीका, जिससे आप लोग नोटिफिकेशन जो यहाँ पे काफ़ी तरह तरह के यहाँ पे चेंज कर पाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल ट्रिक है गाइस। और मैं बहुत दिनों से इसे यूज़ कर रहा हूँ और मैं आप लोग को 100% गारंटी देता हूँ कि आप लोग भी इसे यूज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, सबसे पहले आप लोग को जो है एक 3 MB के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग को गूगल प्ले स्टोर पर वो एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं मिलेगी, लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। उससे पहले आप लोग वीडियो देख लीजिएगा कि यहाँ पर करना क्या क्या है। ओके फ्रेंड, यहाँ पर हमने एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आप लोग को बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन नज़र आएंगे, जैसे कि मिस कॉल होगा, मैसेज है, MMS वगैरह होगा, जीमेल वगैरह होगा, कैलेंडर, रिमाइंडर, ये सब आप लोग को देखने को मिल जाता है। एंड और भी एप्लीकेशन आप लोग को जो नोटिफिकेशन वाले रहते हैं, ये सारे देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर दिखाएगा रेड कलर में नोटिफिकेशन एक्सेस रिक्वायर्ड, जहाँ पर आप लोग क्लिक करेगा इनेबल पे, और यहाँ पर आप लोग सबसे पहले इस एप्लीकेशन को परमिशन दे दीजिएगा। परमिशन देने के बाद यहाँ पर ओके कर दीजिएगा, फिर हम यहाँ पर कर लेते हैं इसे बैक। बैक करने के बाद आप लोग के एप्लीकेशन यहाँ पर रन करना यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। अब आप लोग करना क्या पड़ेगा गाइस, यहाँ पे आप लोगों को थ्री डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल मिल जाते हैं, तो फॉर एग्जांपल मैं सिस्टम अपडेट, सिस्टम स्टेटस में यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल मिल जाए, जैसे कि मान के चलिए मैं वाईफाई ऑन करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं इनेबल कर देता हूँ। और वाईफाई ऑन करने के बाद आप लोग के फ़ोन में नोटिफिकेशन रहेगा, किस टाइप का नोटिफिकेशन रहेगा इसके बारे में अभी आप लोग को प्रूफ के साथ बताऊँगा। कलर वहाँ पर मैं चूज़ कर लेता हूँ, जैसे कोई भी यहाँ पे पर्पल कलर यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं, या फिर कोई भी कलर यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ। इनवर्ट में क्लिक करूँगा यहाँ पे, फिर अगर टेस्ट पिक आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को प्रोसेस के बारे में बताएगा क्या क्या यहाँ पे करना है। तो अभी मैं आप लोग को बताऊँगा यहाँ पे किस टाइप से हमारा नोटिफिकेशन लाइट ऑन होता है। तो यहाँ पे हमने जैसे कि वाईफाई पे ऑन कर लिया है, और ऊपर में आप लोग को जो सिस्टम स्टेटस के बाजू में जो नॉर्मल मोड दिखता है, इस पर क्लिक करके आप लोग को स्क्रीन मोड यहाँ पे कर देना है। ओके फ्रेंड, अब आप लोग को करना क्या, आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन ऑफ करना है। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, या फिर अभी तो मुझे नहीं पता कि ये स्क्रीन रिकॉर्ड में आया या ना, क्योंकि स्क्रीन ऑफ़ हो चुकी। तो आप लोगों ने देखा था कि हमारे फ़ोन में ऊपर में एक वाईफाई का ऑप्शन आ जाता है, जो कि स्क्रीन हम ऑफ़ करते हैं। इसमें आप लोग की बैटरी ज़्यादा यहाँ पे लो नहीं होती है, बैटरी में कोई भी इशू यहाँ पे नहीं आता है। तो जैसे आप लोग के फ़ोन का वाईफाई अगर ऑन रहता है, तो ऑटोमेटिकली आप लोग की स्क्रीन भी ऑफ़ रहेगी, तो वहाँ पर आप लोग का आइकोन नज़र आ जाएगा। डाटा अगर आप लोग ऑन करेंगे तो यहाँ पर आप लोग का आइकोन यहाँ पर नज़र आ जाता है, वगैरह वगैरह। यहाँ पर जैसे ब्लूटूथ वगैरह हो गया, हॉटस्पॉट वगैरह हो गया, ये सब यहाँ पर ऑन रखेंगे तो आप लोग का जो है नोटिफिकेशन वहाँ पर आ जाता है, जो काफ़ी अच्छी बात है। एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो आप लोग कोई भी एप्लीकेशन पे यहाँ पे नोटिफिकेशन लाइट लगा सकते हैं, जैसे कि व्हाट्सअप की बात करें, व्हाट्सअप इनेबल करें। यहाँ पे आप लोगों को कलर वगैरह चूज़ कर लेना है, या फिर आप लोग यहाँ पे लोकेशन वगैरह यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि कितने टाइम तक यहाँ पे करना है। टेस्ट वगैरह भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं, कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। इस टाइप से आप लोग यहाँ पे नोटिफिकेशन लाइट का यहाँ पे लाभ उठा सकते हैं। एडवांस पे जाएंगे गाइस, तो यहाँ पे आप लोग को और भी ऑप्शन अवेलेबल मिल जाए, जैसे थीम वगैरह का हो गया, लैंग्वेज वगैरह का हो गया, या फिर आइकॉन्स वगैरह भी चेंज यहाँ पे कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन का आप लोग यूज़ करेंगे इस, तो काफ़ी बेहतरीन बेहतरीन आप लोगों को फीचर देखने को मिल जाएंगे जब आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। ओके फ्रेंड, एंड इस स्टेप से आप लोग नोटिफिकेशन लाइट का और लाभ उठा सकते हैं अपने ओप्पो के डिवाइसेस में। एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद है, कि वीडियो पसंद है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड जो बटो तो कमेंट करना बोले, हम उस पर वीडियो बना के आपके डाउट क्लियर कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो जन जमा दी।